सीपीआईएम लीडर एम श्रीनिवास ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा कि पुलिस का जुल्म और बर्बरियत से की गई अजियत रसानी से खदीर की मौत वाकई हुई, जिसके लिए मजकूरा पुलिस मुलाजमीन पर मुकदमा चलाने पर जोर दिया। आइए मजीद जानते हैं तफसीलात, उन्होंने क्या कहा। मेदक में जो खदीर खान के ऊपर जो पुलिस ने वो गलत तरीके से उसको अरेस्ट करना, उसको मारना, उसका अभी उनका इंतकाल भी हो गया, उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट में लेना जरूरी। क्यों बोले तो पुलिस डिपार्टमेंट कानून के हिसाब से काम करना, कानून को छोड़ के चोरी का गलत इंजाम लगा के उसको 4-5 दिन पुलिस खाने थाने में रख के उसको इतना पिटाई मारना, ये हक पुलिस को किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट का इतना आर्डर्स है, जिनको अरेस्ट कर रहे उन फैमिली वालों की इन्फॉर्मेशन देना, ये 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, ये पूरा सिस्टम्स को बाजू में रखते हुए 5 दिन उसके हवाले में कैसा पुलिस थाने में कैसा रख लेते और उसको इतना पिटाई करने का हक किसने दिया? और उन्हें चोरी किया बोल के कहाँ से सबूत मिले उसको? अभी खदीर खान उनका पब्लिक में बोला कैसे कैसे पुलिस मारे, कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल उसको उसके ऊपर करे, ये सब देखने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट अभी सोचना है। इतना वो ब्रिटिश पीरियड में कैसा हो रहा, अभी सेम ऐसे अभी तेलंगाना पुलिस ने करे उसको पब्लिक में सब ये बोलना पड़ता। इसलिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है पुलिस डिपार्टमेंट, जो SI हो, कांस्टेबल्स हो, हायर अथॉरिटीज हो, किसके अंडर में ये उसके ये मर्डर हुआ खदीर खान का, ऐसे लोगों के ऊपर सीरियस केसेस बुक होना, उसके ऊपर एक्शन लेना। डिपार्टमेंट कभी भी ऐसे तरीके से ये ऐसे सिस्टम्स इमीडिएट बंद होना, ये तरीका गलत तरीका, इवन होम मिनिस्टर उसको जवाब देना पड़ता, हायर अथॉरिटीज भी जवाब देना पड़ता। आइंदा ऐसा हो गए तो और पूरा तेलंगाना में और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना ही पड़ता, गवर्नमेंट जवाब देना ज़रूरी है इनके बच्चों के लिए कुछ मुआवजे के। ज़रूर ये खदीर खान का फैमिली को गवर्नमेंट के तरफ से जो फैमिली चलने के लिए और आने वाले दिन में वो नहीं कर एटलीस्ट एक 20 लाख रुपए इमीडिएट उसको देना, बच्चों के पढ़ाई के लिए और उसके आगे बढ़ने के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट देना, ये ज़रूर इमीडिएट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ।